300 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल जिनमें तकरीबन 170 ड्रोनस और 120 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हैं, को इसराइल की तरफ रातों रात जबरदस्त फजाई हमले में दागे गए। इसराइल डिफेंस फोर्सेस IDF के तर्जुमान डेनियल हगारी के मुताबिक ईरान, इराक, यमन और लेबनान की हज़बुल्लाह से तकरीबन 350 रॉकेट फायर किए गए। ताहम 99% प्रोजेक्टाइल को इसराइल के फजाई दिफाई निजाम और इसके इत्तेहादियों ने रोका। इसराइली फौज के मुताबिक सिर्फ एक छोटी तादाद इसराइली इलाके तक पहुंची। तेहरान के हमले में नेवाते में एयरबेस को निशाना बनाया गया। एक ईरानी फौज के हलकार ने इतवार के रोज इल्जाम लगाया कि यहीं से अप्रैल के अवाल में ईरानी कौंसल खाने पर इसराइल का हमला शुरू किया गया था। इसराइल पर हमला, कौन से ममालिक मुलव्वस थे? ईरान और इराक, शाम, यमन और लेबनान में इसके इत्तेहादियों की तरफ से इतवार से रात तक इसराइल पर तकरीबन 350 रॉकेट फायर किए गए। इस हमले में तकरीबन 170 ड्रोनस, 30 से जायद क्रूज मिसाइल और 120 से जायद बैलिस्टिक मिसाइल शामिल थे। इसराइली फौज और व्हाइट हाउस के मुताबिक तकरीबन सभी को रोक लिया गया था। अमरीका, उर्दन और बरतानिया ने भी हमले को रोकने में हिस्सा लिया। हगारी ने कहा कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल जो इसराइल तक पहुंच गए वो मुल्क के जनूब में वाकई एयरबेस पर गिरे और सिर्फ हल्का तहरी नुकसान पहुंचा। हगारी ने मजीद कहा कि अड्डा काम कर रहा है और हमले के बाद अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए है, हवाई अड्डे को इस्तेमाल करना जारी रखे हुए है। एक सीनियर अमरीकी फौजी अहलकार ने इतवार को सहाफियों को बताया कि अमरीका ने अंदाजा लगाया है कि खुद इसराइल के अंदर कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। मशरिकी बहिरा रूम में अमरीकी बहरी जहाजों ने हमले के दौरान 4 से 6 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह कर दिया और खित्ते में तैयारों ने इसराइल की तरफ जाने वाले 70 से ज्यादा ईरानी एक तरफा UAV को मार गिराया। अहलकार ने बताया कि अमरीकी फौज की पैट्रियट मिसाइल बैटरी ने इराक के अरबीन के करीब एक बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया।